की बातें सुनकर फौरन से घर आती है तो माँ उसे समझाती है, उसे कहती है मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारे घर भेजूंगी। लेकिन उसका बाप आ जाता है, वो कह देता है बिल्कुल मेरी बेटी के साथ अब तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती, जितना जो हो चुका है वो काफ़ी है। जब नुमैर घर आता है तो उसकी बहनों से बताती है कि अंदलीब जा चुकी है, तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है वैसे भी उसे जाना था, माँ परेशान ना हो, उसने बहाना बनाया सिर्फ आपकी वक्त, अगर उसे रुकना होता तो वो कभी भी छोड़ के ना जाती। अंदलीब की वालदा फ़ोन करके फ़ौरन से नुमैर को अपने घर बुलाती है, वो नुमैर को बार बार कह रही होती है कि मैं उसके लड़के के साथ बात नहीं करूँगी, लेकिन नुमैर उसे कहता है कि तुम उसे मोहब्बत करती थी, तुम एक दफ़ा उसे बात कर लो और तुम परेशान ना हो, तुम्हारी तरफ से कोई भी मसला होगा मैं अपने सर ले लूँगा, लेकिन तुम लोग अपनी हैप्पी लाइफ गुजारना। ज़ारा जो है वो अपने शौहर के साथ अब खुश रहती है क्योंकि उसे पता चल गया है जो उसकी कमज़ोरी थी, अब वो उसके मुताबिक बात नहीं करती। नुमैर की बहन आके उसे समझाती है कि माँ ने इतना बुरा भला कहा जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ज़ारा जो है वो कोशिश में लगी हुई है कि किसी न किसी तरह माँ के बारे में डिटेल पता चले, लेकिन माँ उसे कहती है कि जो मेरा बेटा था वो अपने फंक्शन पे एक अपने दोस्त को लेकर आया था, लेकिन पता नहीं चला कि कब उसने नंबर ले लिया और वो उसके साथ भाग कर चली गई। अंदलीब जो है वो बता रही होती है अपने घर वालों को किस तरह से नुमैर ने उसे दोस्त से बढ़ के उसका ख्याल किया है, लेकिन अब कॉल आती है नुमैर की, वो उसके घर वालों से उसे समझाता है कि आप एक मरतबा बात करने दें, अंदलीब को मिलने दें उसके साथ, उस लड़के के साथ दोनों बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अंदलीब फ़ौरन से आके कॉल करती है नुमैर को, उसे पूछती है कि तुम्हारी बीवी एक अनजा उस लड़के से मिलेगी तुम्हें अच्छा लगेगा, तो वो उस कहते हैं आगे से तुम परेशान नहीं हो इन बातों पर, देखो मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और अच्छा नहीं होगा कि तुम लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहो। अंदलीब को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उस लड़के के बारे में सोचती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नुमैर से मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि इतने अच्छे अंदाज में उसने ट्रीट किया था जब सारी दुनिया से उसे मुंह मोड़ लिया था, तो सिर्फ नुमैर ही था जिसने उसका ख्याल किया, लेकिन अब नुमैर को ये बात समझ नहीं आ रही।